अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं डैनी की लूप प्रो वॉच की अनबॉक्सिंग। मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है, तो बॉक्स ओपन करके देखते हैं क्या वाकई ब्लैक कलर आया है या फिर पिंक कलर आया है। जी तो दोस्तों, इसे ओपन करते हैं। पैकिंग तो अच्छी है माशाल्लाह से, पैसे भी अच्छे लिए इन्होंने वैसे तो। देखते हैं कि वॉच किस तरह की निकलती है। प्राइज़ वाई का टैग है, प्राइज़ वाई से बाय किया क्योंकि दोस्तों सबसे कम प्राइस प्राइज़ वाई पे ही आ रहे थे। दराज पर भी प्राइस इसका ज़्यादा था और जहाँ से सबसे सस्ती मिली है ऑफ कोर्स मैंने वहीं से लेनी थी। ओके, डब्बे में डब्बा निकलता ही जा रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारे पास वॉच का बॉक्स आ गया है, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले वारंटी कार्ड, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। वारंटी कार्ड आ गया है, देन स्टिकर जिससे जो हमें नहीं चाहिए, उसके बाद कंट्रोल गाइड जिसको हमने नहीं पढ़ना, उसके बाद इमेजेस हैं कि ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करना है इसे। ओके, ये भी करके देख लेंगे हम। और इसके बाद फाइनली हमारे सामने वॉच है। सबसे पहले चार्जर, मैग्नेटिक चार्जर। ओके गुड, और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर में वॉच, यहाँ से रिमूव करेंगे इस तरह। क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उन्होंने तो कहा था ये मेटल है, प्लास्टिक एंड मेटल का कम्बिनेशन है। ओके, दिखने में तो बहुत प्यारी है दोस्तों। चलिए तो मैं इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसके मोड्स को डाउनलोड करके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लगती है। ओके दोस्तों, तो मैंने द फिट ऐप इंस्टॉल कर लिया है जिससे हम इस वॉच को कंट्रोल करेंगे और इसके फेस को हम इंस्टॉल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो द फिट ऐप को लॉगिन कर लिया मैंने और यहाँ पर कुछ फेसेस भी दिए गए हैं पहले से, और इसमें फेसेस जो है ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि 200 प्लस फेसेस जो हैं इसमें दिए गए हैं जो हम चेंज कर सकते हैं वॉच में, कोई से हम जो है फेस इसमें से इंस्टॉल करके लगा सकते हैं। ओके, तो वॉच को चार्ज हो गई होगी, हम इसे ऑन करते हैं। ये हमारे पास इसका इंटरफेस है डैनी का, तो इसको मैंने पेयर भी कर लिया है अपने मोबाइल से, ब्लूटूथ ऑन करके सब कुछ असेस कर लिया है। और ये इसके इंटरफेसेस देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये वॉच ही क्यों मैंने बाय की है, क्योंकि इसका डिस्प्ले सबसे बड़ा है। इसका जितनी भी वॉचेज इस टाइम ऑनलाइन आ रही है, सबसे बड़ा डिस्प्ले 2 इंचज़ का जो है वो इसका डिस्प्ले है, इस वजह से मैंने इसको बाई किया है। इसकी सेटिंग में और डिस्प्ले में और ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है तब भी ये नज़र आ सके। ऑटो स्लीप जो है 30 सेकेंड तक है, मैं 15 सेकेंड तक करूँगा। और उसके बाद वॉच फेस है, वॉच फेस हम कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पर, वॉच फेसेस अभी इसमें कोई ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 15 वॉच फेसेस ही हैं सिर्फ, ये वाला वॉच फेस हम लगा देते हैं। लो पावर मोड है, अगर हम ऑन करेंगे तो वाइब्रेशन और जो नोटिफिकेशन वगैरह वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ब्राइटनेस भी कम रहेगी इसमें। ओके, फ़ोन को मैंने ऑफ रखा है, हाँ ऑफ कर दिया है, नहीं ऑन है। अब मैं फ़ोन को ऑफ कर दिया, फ़ोन कॉल्स को यहाँ पर, उसके बाद फ़ोन रीसेट है, उसके बाद सिस्टम है, पावर ऑफ रीसेट ETC। ओके, वापस हम चलते हैं और हम कौन सी सेटिंग यहाँ पर, फ्लैशलाइट मोड भी दिया गया जिससे हम अगर अंधेरा हो रात में तो हम फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हैं इस पर। और इसके अलावा जो एक और अच्छी बात है वो है वाटर, अगर आपके पानी में वॉच गिर गई है तो ये सेल्फ ड्रेन वाटर जो है ये वॉच है वो करती है अपने आप को, तो यानी आपको थोड़ा सा रोटेट करना। और इसने इसके अंदर फ़ैन ऑन हो गए जो कि वाटर को ड्रेन कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो है वो सिरी का मोड भी दिया गया, यानी हम टॉक कर सकते हैं, बोल के इससे बात कर सकते हैं। इसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले इसे फ़ोन के ज़रिए एक्सेस देनी होगी क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट करनी होगी, ये आपके जो सारी सर्चिज़ हैं वो मोबाइल पर ही करेगी। ओके, तो मैंने इसे जो है टैप कर लिया है, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मोबाइल पर जो है वो सर्च हो रहा है, यानी कि वो सारा मोबाइल डिटेक्ट कर रहा है और मेरा मोबाइल जो है वो इसे सर्च करेगा। तो अगर आपके मोबाइल में सिरी है यानी आईफोन है तो वो ऑफकोर्स इसे सर्च करेगी, मेरे पास हुआवे है तो हुआवे असिस्टेंट जो है वो इसे सर्च कर रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है वो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको काउंट करेगा। ओके, यहाँ पर हार्ट बीट है जो हमें बताएगी मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि मैंने पहनी नहीं हुई तो अभी हमें कुछ भी नहीं बता सकती।
एंड देन इसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, ये हमारे पास म्यूज़िक प्लेयर है, इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑफ कोर्स मोबाइल पर ही प्ले होगा म्यूज़िक, इसका अपना म्यूज़िक नहीं है, तो मोबाइल पर जैसे ही मैं एक्सेस करूँगा, अलाउ करूँगा, तो ये म्यूज़िक प्ले हो जाएगा और मोबाइल पर प्ले हो गया म्यूज़िक, लेकिन वो हैंड फ्री गई हुई थी इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, इसमें ऑफ़ कर देता हूँ एंड नेक्स्ट हम कुछ भी फेवरेट उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज मोड है, तो एक्सरसाइज मोड में इसके ऑलमोस्ट 20 एक्सरसाइज मोड्स हैं जो मैंने देखा था। अब ट्रेल रनिंग शो कर दिया उसने, मैं हालांकि कहीं भी नहीं जाना, मैं रनिंग नहीं करनी, इसके बावजूद उसने रनिंग जो है मैंने क्योंकि वो टच किया तो वो स्टार्ट हो गए। ओके, इसे स्टॉप करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज मोड्स दिए गए हैं कि आप रनिंग कर रहे हैं तो ये उसका टाइम रिकॉर्ड करेगी, कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं वो रिकॉर्ड करेगी एंड ईच एंड एवरीथिंग, हर एक्सरसाइज के मोड्स ही हमें, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको मोड ऑन करना होगा, तो ये आपके कैलोरीज कितने बर्न हुए हैं, उस एक्सरसाइज का कितना इफेक्ट हुआ आपकी बॉडी पर, अब वो आपको बताएगी। साइकिलिंग भी है, स्कीपिंग ओपन गोल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ट्रेल रनिंग, क्लिम्बिंग, टेनिस बॉल एंड ईच एंड ETC सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। ओके, और रॉ मशीन मैंने फिर से प्रेस कर दिया, वो भी स्टार्ट हो गई। ओके, इसको बंद करते हैं। इसके अलावा क्या दिया गया इसमें, फ़ोन कॉल्स हैं, यहाँ से मैं फ़ोन कॉल कर सकता हूँ, यहाँ से डायल करके 030 एंड लाइक दिस। ओके, इसके बाद कॉन्टेक्ट है, मैंने इम्पोर्ट नहीं किया अभी तक इसमें। इसके बाद ये स्लीपिंग मोड है, ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कैमरा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप कि जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो द फिट जो ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, द फिट वॉच ने जो क्या किया है, पिक्चर लेना चाह रही है तो आपकी असेस मांग रही है कैमरे की, तो अब ये कैमरा ऑन है तो हम ज़रा देखते हैं कि क्या मैं वॉच से पिक्चर बना सकता हूँ। ये डेनी का, ये वॉच से पिक्चर 3, 2, 1 टाइमर के साथ पिक्चर ले ली है वॉच ने, तो इस तरह हम जो है अपने कैमरे के इंस्ट्रक्शन थ्रू वॉच भी देख सकते हैं। और इसमें कौन सा मूड है वो देख लेते हैं। म्यूज़िक मूड हमने चेक कर लिया है, टाइमर हम लगा सकते हैं इसमें। ओके, देन ये क्या है, स्टॉप वॉच है वो यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक मूड है। ओके, ये क्या है, फाइंड फ़ोन, आपका फ़ोन अगर इससे कनेक्टेड है, गुम हो गया, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि मोबाइल कहाँ है। ओके दोस्तों, तो फाइंड फ़ोन हम अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है और मेरा मोबाइल रिंग कर रहा है, लेकिन हैंड फ्री की वजह से आपको वो वॉइस सुनाई नहीं देगी, वाइब्रेट भी कर रहा है, तो इस तरह मैं अपना मोबाइल जो है इससे ढूंढ सकता हूँ अगर गुम हो जाए तो। एंड देन और इसमें क्या ऑप्शन है, कैलकुलेटर है। ओके गुड, उसके बाद ये वाटर मोड है, यानी अगर वाटर में गिर जाती है तो आप इसे वाटर को ड्रेन आउट कर सकते हैं। लास्ट वन गेम है इसमें, कितनी गेम्स दी गई हैं, 3 गेम्स दी गई हैं, एक नंबर वाली है, इसे ओपन करके देखते हैं प्ले करके, यानी 2 नंबर है। ओके, इसको खेलना कैसे, मुझे खेलनी नहीं आ रही, 4, 4, 8 पता नहीं क्या आता जा रहा है, खैर इसे बंद करते हैं। एग्जिट गेम, सेकंड गेम जो है, ओह इसमें 4 गेम है, सेकंड गेम बर्ड्स वाली है, चलो इसे भी प्ले करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है खेलने में। प्ले, ओके ओके, यानी कि यूँ प्रेस करूँगा तो ये बर्ड्स ऊपर को जाएंगे। ओ, चलें शाबाश, वेरी गुड, चलें इसको भी बंद करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये वाली गेम, इसमें क्या है। ओके, रेडी रेडी गो, लेकिन जाना कहाँ है, ये क्या है, गेम ओवर हो गई। अच्छा, आई थिंक इसमें मैंने जो है इन रैबिट्स को टैप करना है, दोबारा से ट्राई करते हैं। जी स्टार्ट गेम, रेडी, ओके रेडी गो, ओके ये हो गया, वेरी गुड, ये देखें इसमें कुछ मैं स्कोर कर लूँगा आई थिंक। ये जहाँ पर रैबिट आएगा उसको टैप करना है आपने, और जहाँ पर बॉम्ब है उसे टैप नहीं करना आपने। ओ वॉच को टैप कर दिया, चलें जी 200 इसको भी बंद करते हैं। एग्जिट, लास्ट गेम प्लेन्स वाली, इसे देखते हैं प्ले। ओके, क्या करना है, अच्छा इसमें हमने फाइट करनी है, तो फाइट करके हमने इन सबको मारना है और इनके बम से बचना भी है। ये तो मज़ेदार गेम है, ये भी तबाह हो गया, वाओ ये तो अच्छा टाइम पास हो सकता है इसमें। मैंने सुना था कि इसमें ये 2 और 3 गेम्स है, इसमें 4 गेम्स और बड़ी मज़ेदार गेम्स है। चलें इसी को भी बंद करते हैं, दोबारा से वही आ गई, वापस चलते हैं
सेटिंग मोड है, वेरी गुड। इसमें पावर सेविंग मोड भी हैं और भी काफ़ी सारे मोड हैं, तो मैं जो है फ़ोन वाला सीन इसमें बंद करूँगा, नहीं ऑन कर देते हैं, चलें। ओके, मोबाइल फ़ोन वाला ऑन भी कर दिया है और डिस्प्ले भी ओके है। ओके, वापस चलते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी वॉच है माशाल्लाह से, लेकिन मैंने ब्लैक कलर मंगवा लिया है, ब्लैक ही आया है, और मेरा दिल जो है, मैंने ब्लू कलर देखा है तो ब्लू कलर मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्लू कलर लूँ, लेकिन मैं इसे पहन के देखता हूँ कि ब्लैक कलर किस तरह का लग रहा है। ओके, लाइक दिस एंड दिस। ओके दोस्तों, नहीं ये भी प्यारी लग रही है। सेंसर इसके चेक करते हैं जरा, इसे माफ करता हूँ, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स है? जैसे शो ऑफ नहीं करना होता कि पहले ऐसे करके ठहरो और फिर जो है वो चलेगी घड़ी तो थोड़ा सा शो ऑफ है। देखिए दोबारा से यहाँ पर किया मैंने, लेकिन हाँ अब ज़रा ठीक हुआ है, दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ, इसको चेंज क्यों कर रहे हो भाई? फेस मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं मोबाइल से डाउनलोड करना पड़ेगा कोई अच्छा, फिर ही कोई मुझे लगता है कि मज़ा आएगा, अदरवाइज़ कोई इतने अच्छे फेसेस मुझे लग नहीं रहे। ये फुल डिस्प्ले फेस है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। इसको बंद करते हैं, अब देखते हैं ज़रा कितनी देर में रिस्पॉन्स आता है। हाँ, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स है, खैर लेकिन अच्छा है। अब मुझे रिव्यू लाजमी कीजिए किस तरह की वॉच लग रही है, और डेनी की है और सबसे सस्ती मुझे प्राइस वो से मिल रही थी जो कि 7500 की, और डिलीवरी चार्जेस मिला के ऑलमोस्ट 7600 की मिली है मुझे, और घर में आई है और पैकिंग बहुत अच्छी थी, बॉक्स भी बहुत अच्छा है जैसे आपने देखा है। और इसके मुकाबले में ज़ीरो ब्रांड है जो कि अपनी वॉचेस लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये मुझे इसलिए बेहतर लगा क्योंकि इसकी वॉचेस उससे कुछ हद तक सस्ती हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है, सारे पैसे उन्होंने मार्केटिंग पर लगाए हैं, तो भाई पैसा निकालना भी ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वॉचेस के, तो इसके जो है थोड़े से पैसे कम है, इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है। और मुझे दिखने में ज़्यादा सेक्सी ये लग रही थी, क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो भी सबसे बड़ा है, जितनी भी जीरो ब्रांड ने वॉचेस लॉन्च किए तो किसी ने भी 2.01 इंचेस का डिस्प्ले नहीं दिया, तो सिर्फ ये वॉच जो है डेनी की लूप प्रो, इसमें 2.01 इंचेस का डिस्प्ले आ रहा था, फुल डिस्प्ले है, फुल ब्राइट डिस्प्ले। तो इसके अलावा इसमें 300 mAh बैटरी भी है जो कि बाकियों में किसी में कम थी किसी में ज़्यादा थी, जीरो वैसे जीरो ब्रांड की जितनी भी वॉचेज हैं उनकी भी 300 mAh बैटरी ही है, तो बाकी सारी स्पेसिफिकेशन जीरो ब्रांड वाले ही हैं, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन भी हैं, जैसे इसमें एक टॉकिंग वाला इन्होंने इंटरफेस दिया है। ओके दोस्तों, आपने अगर डेनी वालों की वॉच मंगवाई है या जीरो वालों की वॉच मंगवाई है तो मुझे इन दोनों का कंपेरिजन बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाजमी कि कौन सी वॉच जो है ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी प्रोडक्ट बताइएगा, दराज का या ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट हो मैं मंगवा के आप लोगों के लिए रिव्यू लाजमी करूंगा कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो इसकी क्वालिटी तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी है, जितने प्राइस में आई है या 7600 की, तो उस प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।